आज हम बात करेंगे कि पुरुषों का मूड क्यों नहीं बनता, इसके बारे में। कभी सारी लेडीज हमारे पास में आती रहती है और वो कंप्लेन करती है, अपने हस्बैंड को लेकर आती है और वो कंप्लेन करती है कि इनका मूड नहीं बनता और मैं सेटिस्फाई नहीं होती रहती, उनको बोलते रहती है और वो करते नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये जो है कि मूड नहीं बनता, मतलब पति आता है और खाना खाता है, सो जाता है, वाइफ उसको जरा कुछ बात करने की कोशिश करती है, बोलता है मेरा मूड नहीं है, उधर मुंह करके हृदय लेके सो जाता है और वाइफ तड़पती रहती है, उसकी इच्छा है मगर वो मूड नहीं है करके उसको हाथ भी लगाता नहीं है। ऐसा क्यों होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो ऐसा है कि बहुत झगड़े झंझट चालू है घर में, एक तो जॉइंट फैमिली है उसमें कोई तो भी झगड़े झंझट चालू है, आपस में किसकी बन नहीं रही है और वो तनाव है, वो एक वजह हो सकती है। नंबर दो, पति पत्नी की आपस में नहीं पट रही है, छोटी छोटी बात के ऊपर तू तू मैं हो रही है, ईगो प्रॉब्लम्स है या फिर शक कर रहे हैं, तो एक कारण हो सकता है कि मूड ही बनता नहीं फिर। क्योंकि देखो, सेक्स करने का ऑर्गन जो है वो है लिंग, पेनिस, मगर उसका कंट्रोल जो है वो है दिमाग, ब्रेन में, तो ये यदि काम नहीं कर रहा है तो नीचे भी काम नहीं करेगा। तो नंबर दो का कारण जो है कि भाई दोनों का झगड़ा है, झंझट है। नंबर तीन, हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत है, धंधा पानी नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कैसा मीट आउट करना, खर्चे पानी कैसे निभाना, उसके बारे में बहुत चिंता लगी हुई है और उसके वजह से फिर मूड नहीं करता है। फिर चौथा कारण ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी इश्यूज है और कोर्ट मैटर्स चल रहे हैं आपस में, एक ही घर में पिताजी और लड़का उनके झगड़े चल रहे हैं, भाई भाई के झगड़े चल रहे हैं, बहन भाई के झगड़े चल रहे हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर है, पैसे के ऊपर है, और कोई इश्यूज है उसके बारे में झगड़े चल रहे हैं और उसके वजह से भी मूड नहीं बनता, ऐसा हो सकता है। फिर नेक्स्ट कारण ये होता है कि मेडिसिन ले रहा है, कोई मेडिसिन चालू है, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसकी मेडिसिन चालू है, या मानसिक बीमारियों की मेडिसिन चालू है, या मानसिक बीमारी है और उसके वजह से फिर उसका मूड बनता नहीं है। फिर और एक कारण हो सकता है कि पर्सनैलिटी इशू है, मतलब ऐसा है कि भाई उसको उसकी सेल्फ इमेज जो है, स्व प्रतिमा, वो बहुत मलिन स्व प्रतिमा है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं दिखने में इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं मेरे पत्नी के लायक नहीं हूँ, मैं मोटा हूँ, ऐसे कुछ भी ऐसे उसके खुद के बारे में अपनी इमेज जो है, खुद की स्व प्रतिमा वो ठीक नहीं होना, और इसके कारण भी यह इसकी इच्छा कम नहीं होती है। फिर कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत बॉडी बिल्डिंग चालू है, बहुत ज़्यादा थकान उसके वजह से आ रही, या फिर एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं और फिर उसके वजह से मोटापा आ रहा है, हिल नहीं रहे, फिर घुटनों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, उसके वजह से उसकी इच्छा होती ही नहीं है। फिर लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये जो मेल हार्मोन है उसका लेवल जो है वो लो है, कम है, और उसके वजह से भी इसकी इच्छा होती नहीं है। हो सकता है कि वो होमोसेक्सुअल है, शादी तो कर लिया है और उसकी इच्छा होती नहीं, वो अट्रैक्ट होता ही नहीं है उसके औरत के तरफ और फिर वो हाथ ही लगाता नहीं, तो वो होमोसेक्सुअलिटी है और उसकी वजह से इच्छा नहीं आ रही। या फिर वो बायसेक्सुअल हो सकता है, बायसेक्सुअल में होता क्या है कि उसका अट्रैक्शन दोनों तरफ है, लड़कों के तरफ भी है और औरत के तरफ भी है। अब वो बाहर जाता है लड़कों के साथ में कर लेता है सेक्स, घर में आके इच्छा नहीं होती, क्योंकि अभी करके आया समझो घंटा दो घंटा बजे तो उसकी इच्छा नहीं होगी और वाइफ की बहुत इच्छा है, फिर झगड़ा झंझट चालू है, तो वो हो सकता है कि वो बायसेक्सुअल है। हो सकता है कि वो असेक्सुअल है, मतलब उसका सेक्सुअल अट्रैक्शन है नहीं, बिल्कुल ही इच्छा मर चुकी है, मतलब पहले इच्छा थी अभी नहीं है, या फिर पहले से इच्छा ही नहीं है, बचपन में कोई हादसे हो गए, कोई ऐसा कोई क्वारल हुआ है, अत्याचार हुआ है, लैंगिक अत्याचार हुआ है, सेक्सुअल एब्यूज जिसे कहते हैं, तो जिसके वजह से उसको बहुत डर बैठा हुआ है, भय है, या फिर घृणा आई हुई है सेक्स के बारे में, तो एक कारण हो सकता है। फिर उसके मन जो पत्नी के साथ में उसके मन के खिलाफ शादी हुई है या बाय फोर्स हुई है, मतलब कोई चारा नहीं था, करना ही पड़ा, बहुत जल्दी में करनी पड़ी, उधर कोई तो भी सीरियस है घर में और अभी उनके सामने माँ बाप कोई सीरियस है, अभी मरने वाले, उनके सामने में फटाफट शादी कर लो, उनको भी बहू का चेहरा देखने का है, अपने सामने शादी होने की है, उसकी इच्छा भी नहीं, चलो जो मिल गई वो शादी कर लो, ऐसा भी होता है। या फिर गर्लफ्रेंड है, डेटिंग चालू है, जाति की नहीं है, लड़की के तरफ से नहीं बोला है, लड़के तरफ से नहीं बोला है, उसको भी जबरन शादी और कहीं करना पड़ रहा है, इच्छा ही नहीं है,
उसके साथ में भी सेक्स होता नहीं है। फिर हो सकता है कि उसका एज ज़्यादा हुआ है। क्या होता है कि 45-50 ये उम्र ऐसी होती है कि आदमी अभी थोड़ा सा ऐसा एक स्टेज पे आता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अभी उसको अच्छे दिखने चालू हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूलों में बहुत ज़्यादा फीस है, कॉलेजेस में फ़ीस है, एजुकेशन के खर्चे बहुत ज़्यादा है, बच्चे पैसे मांगते हैं, धंधा चालू किया होगा, बिजनेस चालू किया है तो अभी जब जस्ट थोड़ा सा पैसा आ रहा है और वो अभी और पैसे की लागत हो रही है, या फिर नौकरी में है और पैसा पूरा नहीं रहा है तो उसके वजह से फिर दिमाग के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। 45 से लेके 50 या 55 साल ऐसा होता है कि उम्र के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम हो सकती है और जिम्मेदारियाँ, टेस्टोस्टेरोन लेवल लो और बहुत सारे मतलब इश्यूज रहते हैं दिमाग के ऊपर, प्रेशर है, टेंशन है और उसके वजह से भी इच्छा कम होती है। तो ये जो कारण है, ये कारणों से काफ़ी इच्छा कम हो सकती है और फिर इच्छा कम है करके फिर लड़ाई झगड़े आपस में होते रहते हैं और फिर तलाक, सेपरेट होना, डिवोर्स, झगड़े झंझट, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, ऐसे इश्यूज काफ़ी आ जाते हैं। क्रिटिसाइज करना, फिर अपराधीपन की भावना मन में आना, इंसल्ट करना पार्टनर का, उसके वजह से फिर कभी कभी सुसाइड हो जाती है क्योंकि इंसल्ट हो गया, चर्चा हो गई समाज में तो लोग क्या कहेंगे, तो आदमी जाके सुसाइड कर लेता है। बहुत सारे बार ऐसा होता है कि लड़की सुसाइड कर लेती है कि अभी उसकी शादी तो हो गई, हस्बैंड तो बिल्कुल ही कर नहीं रहा है, अब किसको क्या बोलना, घर वापस नहीं जा सकते, घर के लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ वापस नहीं आने का है, वो सुसाइड कर लेती है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते रहते हैं तो इसलिए इसका इलाज करना जरूरी है। इच्छा नहीं है तो जो भी कारण है वो कारण यदि हम दूर करते हैं तो डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है। यदि वो साइकोलॉजिकल कारण है तो काउंसलिंग से हो सकता है, यदि वो बदन का कारण है मतलब शारीरिक कारण है तो दवाई से हो सकता है और वो कारण दूर करके एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ लोग जी सकते हैं। क्या है कि खाना मतलब पेट की भूख है वो तो एक बार ख़त्म हो गई, वो पेट भर गया, फिर दूसरी भूख लगती है सेक्स की और वो यदि पूरी होती नहीं है तो फिर झगड़े झंझट और अनहैप्पीनेस बहुत ही दिखाई देता है और फिर लोग बहुत परेशान रहते हैं। हमारे समाज में सेक्स के बारे में बातचीत भी नहीं होती है, खुल के लोग बातचीत भी नहीं करते, किसके पास में जाना, कौन डॉक्टर है, क्या है, उसके बारे में बातचीत नहीं होती है, किसको पूछ भी सकते नहीं है, फिर जो सामने दिखा उसकी दवाई वो ले लेते हैं। कभी कभी तो अच्छे अच्छे लोग रास्ते पे झोपड़ी डाल के, जो डॉक्टर बैठे रहते हैं रास्ते पे झोपड़ी में डाल के, जो वैद्य रहते हैं उनके तरफ से दवा लेते रहते हैं। तो ये सब डालने के लिए ये वीडियो आप सबको सब्सक्राइब करो, सबको शेयर करो और बोलिए कि भाई ये इसकी दवा है, इसका काउंसलिंग है और प्रॉपर काउंसलिंग करके आप इसका इलाज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।